नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कि कुछ बच्चे, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे कह रहे थे कि भैया आप 2011 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो प्लीज़ अपलोड कीजिए, बताइए उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या 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 आया था दोस्तों। तो उनकी दोस्तों ह्यूज डिमांड के कारण दोस्तों मैं आपके लिए 2011 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं बहुत ही जल्द इसकी आंसर की भी दे दूंगा और इसके साथ दोस्तों आपको मैं पूरा सॉल्व पेपर दूंगा, एक यही सॉल्व करके आपको बहुत जल्द दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, लेकिन अब फ्रेंड्स आपको मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे दूँगा, जिससे आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हो 2011 का। और फ्रेंड्स जो अपने बच्चे जो फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बेटर रहेगा दोस्तों। जितना जितना हो सके, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाएं, सेम पेपर सॉल्व करें, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स थे दोस्तों 2011, 12, 13, 15 जो भी निकले थे दोस्तों, उसके पेपर को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से नंबर ले पाओ दोस्तों। तो इस बार मैं कह रहा हूँ, इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। मिनिमम दोस्तों 70% नंबर खींचने पड़ेंगे आपको अगर आप जॉब लेना चाहते हो, ठीक है। मिनिमम 70% रखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इस बार वैकेंसी भी अच्छी होगी और इस बार बच्चे भी काफ़ी अच्छे होंगे पढ़ाई में, आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। ये था आज का मेरा टॉपिक कि आपके लिए मैं 2011 का दोस्तों, ये 2011 का, ठीक है, 2011 का दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको काफ़ी शेयर करना, इस वीडियो को काफ़ी शेयर करना दोस्तों, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जो फिजिकल के रिटर्न की, दोनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि दोनों को आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी पड़ेगी और रिटर्न की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैं सोचेगा कि पहले फिजिकल होगा रिटर्न होगा, दोस्तों कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, अभी कुछ पता नहीं है कि रिटर्न पहले होगा कि फिजिकल पहले होगा, लेकिन दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखें। जो बच्चे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा प्लीज़ आप फिजिकल की भी तैयारी करें, ठीक है। आप किसी भी आपको ये चांस गवाना नहीं दोस्तों, बहुत ही कीमती चांस है, बहुत ही मुश्किल के बाद दोस्तों ये भर्ती निकलने वाली, ठीक है दोस्तों, इसका पूरा फ़ायदा लें। और फ्रेंड्स कुछ बच्चे कह रहे थे कि इलेक्शन तक जाएगा दोस्तों, इलेक्शन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भर्तियाँ निकलती है दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सेंट्रल की भर्ती, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों कोई इलेक्शन का पंगा नहीं पड़ता है। स्टेट की जॉब निकली हो ना दोस्तों, तो स्टेट की जॉब निकली है तो तब दंगे वगैरह होते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, दोस्तों आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं इसमें भर्ती पर कोई आँच नहीं आती, एसएससी का कोई इसे रिलेशन नहीं है इलेक्शन से, ठीक है, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप बस अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा, न्यूमेरिकल मिल जाएगा, मैथमेटिक्स मिल जाएगा और डी में दोस्तों आपको मिल जाएगा इंग्लिश नेक, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें दोस्तों, ठीक है, और जल्दी ही मैं इसके आंसर की आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। और इसका बड़े फ्रेंड जिन जो बच्चों के डाउनलोड करने से आपका क्वेश्चन पेपर, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का मेरा ये इन्फॉर्मेशन देने था आपको कि 2011 का सैम्पल पेपर है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और अपनी मेहनत को जारी रखें। तो फ्रेंड डू शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।